Welcome to Dinchak English. So guys, in today's video, I'll tell you some vegetables name. यानी आज मैं आपको कुछ ऐसी सब्जियों के नाम बताऊंगा जो कि अक्सर हमारे डेली लाइफ में यूज किए जाते हैं. अब क्योंकि आपको इंग्लिश नेम पता नहीं होता तो इसलिए आप उनको हिंदी में बोलते हैं. यही कारण है, यही रीजन है कि आपकी स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव नहीं हो रही है. तो आज इन सब्जियों के नाम जान लीजिए और आज से ही आप प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए अपने डेली लाइफ में. इन सब्जियों के नाम अगर आप बोले तो आप उन्हें इंग्लिश में बोले. ओके, तो आरंभ मतलब होता है अरवी. अरवी तो आप जानते ही होंगे, आरम उसको बोलते हैं इंग्लिश में. आरम को, अरवी को क्या बोलते हैं? आरम. इसी तरीके से सेम को इंग्लिश में बोलते हैं बीन. वैसे हम इसको बीन्स बोलेंगे क्योंकि एक बीन सिंगुलर नाउन बीन होता है, लेकिन एक बीन तो बनाई नहीं जाती. सब्जी में ढेर सारी बीन्स होती हैं तो यानी सब्जी में ढेर सारे सेम होते हैं तो उनको हम बीन्स बोलेंगे. ओके, इसके बाद बिटर ग्राउंड का मतलब होता है करेला. बिटर ग्राउंड करेला, यानी करेला को इंग्लिश में बोलते हैं बिटर ग्राउंड. बिटर ग्राउंड. बैगन को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रिंजल. बैगन को क्या बोलते हैं? ब्रिंजल. बंद गोभी, बंद गोभी को इंग्लिश में बोलते हैं कैबेज. कैबेज क्या बोलेंगे? कैबेज. ओके, और फूल गोभी को इंग्लिश में बोलते हैं कॉलीफ्लावर. क्या बोलेंगे? कॉलीफ्लावर. इसको कुछ लोग कैलीफ्लावर भी बोलते हैं, दैट इज करेक्ट, कोई इशू नहीं है. कॉलीफ्लावर बोल सकते हैं या फिर कैलीफ्लावर बोल सकते हैं. तो फूल गोभी को इंग्लिश में बोलते हैं कॉलीफ्लावर या फिर कैलीफ्लावर भी बोला जा सकता है. अदरक, अदरक को इंग्लिश में बोलते हैं जिंजर. अदरक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जिंजर. जिंजर ध्यान रखिएगा. शलजम को इंग्लिश में बोलते हैं टर्निप. ओके, शलजम को इंग्लिश में बोलते हैं टर्निप. टर्निप, टर्निप. शलजम को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टर्निप. ओके, शकरकंद, शकरकंद को इंग्लिश में बोला जाता है स्वीट पोटैटो. स्वीट पोटैटो यानी मीठा आलू, लेकिन उसको इंग्लिश में बोलते हैं शकर, यानी हिंदी में उसको शकरकंद बोलते हैं और स्वीट पोटैटो इंग्लिश में बोलते हैं. ठीक है, पुदीना, ये यहाँ पर पुदीना लिखा हुआ है जो कि इनकरेक्ट है, गलत है, आई एम सॉरी उसके लिए. पुदीना को इंग्लिश में बोलते हैं मिंट. पुदीना को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मिंट. मिंट. और प्याज तो सबको पता ही होगा, ओनियन बोलते हैं, बट अनियन इसको बोलते हैं. इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है अनियन. कुछ लोग ओनियन ओनियन बोलते हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पर राइट कर दिया था ताकि करेक्ट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आपको मैं बता सकूँ. ठीक है, तो प्याज को इंग्लिश में बोलते हैं अनियन. लौकी को इंग्लिश में बोलते हैं पम्पकिन. पम्पकिन, पम्पकिन मीन्स लौकी. लौकी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पम्पकिन. मटर को इंग्लिश में बोलते हैं पीज. पीज, पीज. ओके, पी मतलब एक मटर, पीज प्लूरल नाउन में लिखा हुआ है तो मटर को इंग्लिश में बोलेंगे पीज. पीज. लहसुन को इंग्लिश में बोलते हैं गार्लिक. लहसुन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गार्लिक. गार्लिक ध्यान रखिएगा. और कटहल को इंग्लिश में बोलते हैं जैक फ्रूट. जैक फ्रूट. कटहल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जैक फ्रूट. तो जैक फ्रूट किसको किसको पसंद है कमेंट करके जरूर बताइएगा. जैक फ्रूट पहले मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन एक दिन मेरी अम्मी जान ने इतना मस्त, इतना डिलीशियस जैक फ्रूट बना दिया कि मजा आ गया खाकर. उस दिन के बाद से मैं जैक फ्रूट खाने लगा. उससे पहले मुझे कटहल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था. तो जैक फ्रूट इंग्लिश में बोला जाता है किसको? कटहल को. पालक को इंग्लिश में बोला जाता है, देखिए स्पिनच और स्पिनच दोनों प्रोनाउंसिएशन इसका किया जाता है. स्पिनच कुछ लोग बोलते हैं और कुछ लोग इसको बोलते हैं स्पिनच. स्पिनच. ओके, तो स्पिनच मींस पालक या स्पिनच मींस पालक. रतालू को इंग्लिश में बोलते हैं याम. याम. रतालू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? याम. अब ये रतालू एक ऐसी सब्जी है जिसको मैंने सुना तो है बट देखा नहीं है. अगर किसी को इसके बारे में कोई जानकारी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं कि ये रतालू होता क्या है, याम ये आखिर होता क्या है, कौन सी सब्जी है, कहाँ पर पाई जाती है और ये बनता कैसे है. ओके, तो फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको खूब बढ़िया से याद कर लीजिए और अपने डेली लाइफ में आप इनको यूज
करते रहिए। आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों में ये वीडियो जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।